हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो आ चुके हैं एक और नए वीडियो में वापस। तो आज के इस वीडियो में हम उतर चुके हैं पोचिंग की हमारा गोलगप्पा वाला पैराशूट लेके। वैसे ये मेरे पास एक ही है, किसी को बताना नहीं, ठीक है, वीडियो में दिखाने के लिए रखा है सिर्फ। हाँ तो उतर चुके हैं। अरे यार तू ये गुलाटी गुलाटी मारना बंद कर। और TBS मिल गए हमें अंदर घर पर चाहते ही, और SKS भी हमने उठा ली। और SKS से कौन बंदे मारता है, कौन बंदे मारता है SKS से? SKS होनी ही नहीं चाहिए यार। 6x मिल गया, चलो अच्छी बात है। तगड़ा फायर आ रहा है कहीं से, कहाँ क्या लूट है यार? कुछ भी लूट नहीं है, सिर्फ एक TBS मिला है मुझको। चल दरवाज़ा खुल, तो इस सामने वाले घर में चलता हूँ, कुछ मिल जाए तो। यार ऐसे कुछ मिलता नहीं है ना पोचिंग की में। आपको कभी पोचिंग की में फ्लेयर मिली है? अगर मिली हो ना तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर नहीं मिली है ना तो वीडियो को लाइक करना। तो यहाँ पे एक फुटस्टेप आते हैं, तो सोचा इसको भाई को जाने दो। तो भाई लॉबी जाओ ना यार, क्यों खाली खेलने की बात हो यार? अगर पहले लूट लो ठीक से, लूटना है तो पोचिंग की में आया करो, पहले लूट लो कहीं जाखरी और वहीं ऐसी जगहों पर जाके लूटो। कोचिंग की लूटने की चीज़ है यहाँ पे, तुमको क्या मिलता है? मुझे अभी तक घंटा नहीं मिला, तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पे आके? खैर उसको छोड़ो, हील हील करके जाता हूँ आगे, DBS रिलोड कर लेता हूँ और नीचे जाता हूँ और बंदा ढूंढता हूँ कहीं और मिल जाए। पीछे से फायर आ रहा है थोड़ा सा, चलो वहाँ चलता हूँ मैं। पहले स्कोर से नहीं, स्कोर से चलता हूँ। ओ भाई साहब, अरे अरे तेरी, आ जाओ आ जाओ। अब भैया आपकी है पिट्टी, DBS वाली पिट्टी बनाऊंगा आपकी। और ये लो भाई, गेमर आदित्य विथ DBS हरी पेटी हो गई, हो गया तुम्हारा भाई। क्यों आते हो यार? रश करने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाके करो ना। पोचिंग की में कोई रश करता है क्या? वैसे पोचिंग की में ही तो रश करते हैं ना। अबे यार मैं भी पागल हूँ, पोचिंग की में ही रश कर। अरे ठीक से रश करो ना, या फिर आ जाते हैं मुँह उठा के। और मैं ये घर पे क्यों चढ़ा हुआ हूँ, मैं घर पे क्या कर रहा हूँ? तो DBS रिलोड कर लेता हूँ और क्या। पीछे से फायर आ रहा था तो थोड़ा DP का बोट फायर देता हूँ, कोई बंदा आ जाए बोट समझ के। तो बैठ के क्या हनीमून मना रहा हूँ मैं यहाँ पे? चलो आगे चलना भाई, तू DP लेके आगे चलते हैं यार। पीछे से फायर आ रहा था, और सच्ची बताऊँ इस बंदे ना, जो यहाँ पे बंदा था जिसका फायर आ रहा था, इस बंदे ने यहाँ पे पीछे वाली साइड पे चौड़ा फाड़ दिया था। ये देखो सामने जा रहा है, तो इसको घर पे जाने देता हूँ मैं, फिर इसको ऊपर जाके बजाता हूँ। अच्छा पेट्रोल मेरे लिए रखा था तूने, इधर आओ भाई। जोकर भैया है ये हमारे, नाम तो देखो जोकर, जोकर जैसा तो तुम दिख नहीं रहे थे भैया। इसके पास क्या होगा, इसके पास शॉर्ट गन थी और थॉमसन थी, तो थॉमसन की गोली इसके पास थी नहीं, तो ये बेचारा शॉर्ट गन से ट्राई कर रहा था। पर उसके नसीब इतने अच्छे कहाँ, बेचारा शॉर्ट गन से मुझे मार सकेगा। वैसे मेरे पास पे भी DP थी तो उसको बजा दिया मैंने। और ये DP रिलोड करता हूँ, हेल्थ वेल्थ तो अपने आप हो जाएगी। और उसने पेट्रोल मेरे लिए रखा था कि भाई आएगा उसको फोड़ दूँगा, पर उसको TPP लेने का भी टाइम नहीं दिया मैंने, घुस गया सीधा अंदर। और ये देखो उसने कितनी पेटी बना चुका है यहाँ पे, ये एक पेटी, ये दो पेटी, यहाँ पे दो पेटी पड़ी है ना, मतलब यहाँ उसने पीछे की साइड पे पूरा चौड़ा फाड़ दिया बोट्स का। ये सब बोट के कपड़े देखो दिख रहे हैं, यहाँ पे उसको इतने बोट मिले कि उसने सबको फाड़ दिया। देखो एक पेटी यहाँ पे भी पड़ी है। तो यार मैं एक क्रेट में से एक गेम उठा लेता हूँ DP को छोड़कर, क्योंकि एक के हम ऐसी गन है जो कभी मुझसे संभलती नहीं है, पर फिर भी हम कैसे भी करके उसको चला जरूर लेते हैं। और एनर्जी ड्रिंक तो है हमारे पास, तो हमें उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, कहाँ जा रहे हैं पता भी नहीं चल रहा। ये स्मोक बुक उठा लेता हूँ, काम आएगा कभी पे। और भैया आगे जाके मैं आपको एक ऐसा कैंपर दिखाऊँगा जिसने मुझे मेरी पेटी बना दी, जी हाँ मेरी पेटी बना दी ऐसा कैंपर। आप सोच रहे होगे कि भाई ऐसा कैसा कैंपर हो सकता है? आपने कभी खुले यानी
खुले मैदान में। हाँ खुले मैदान में कभी कैंपर देखा है? नहीं देखा ना, तो मैं दिखाऊंगा आपको खुले मैदान में कैंपर। ऐसा कैंपर कि आपको दिखेगा भी नहीं, ऐसा सांप बना लेटा था साला। कभी कभी तो मन होता है कि ऐसे कैंपर्स को बैन कर देना चाहिए। बैन से बात आया, बैन से याद आया कि यार ये पबजी बैन बून हो रहा है, तो यार सोचो मत उसके बारे में, कुछ नहीं होगा। गाड़ी सामने पड़ी है और ये देखो ये बोल। आओ भैया, कैसे हाल चाल है आपके? तो उस भाई को भी हमने सल्टा डाला। तू यार आगे जाके ये टावर, ये टावर पे लाल लाल क्या आ रहा है? हाँ तो देखता हूँ टावर पे है कुछ, नहीं हो रहा है। चलो हमारी औकात के बाहर है वो। और ये गाड़ी बाइक पड़ी है। अरे यार ये एक और बात बता दूँ आपको कि पबजी मोबाइल में ये वाली बाइक सबसे घटिया बाइक है। इससे अच्छा तो बग्गी है जो चार टायर फोड़ दो तो भी चलती है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहाँ से निकलता हूँ यार, और आगे मैं आपको वो दिखाता हूँ कैंपर। तो मैं यहाँ से जा ही रहा था तो यहाँ पे कुछ बंदों की लड़ाई हो गई हमारे पीछे, जो पीरो वाले बंदे होते हैं। और ये देखो, मतलब नगर पालिका वाले गड्ढे साफ नहीं करेंगे, गड्ढे को ठीक नहीं करेंगे, रास्ते नहीं बनाएंगे यहाँ पे, जैसा है वैसा रहने दो। हमारा क्या है, हमको तो पैसे लेके बस रात को बीवियों के साथ नंगे होके सो जाना है, और क्या है। और ये देखो यहाँ पे बोट हमको मिले, उसको थोड़ा सा डैमेज दिया मैंने, फिर भी डैमेज लग नहीं रहा क्योंकि है तो हम बोट ही, हमसे कहाँ डैमेज लगेगा बे। फिर भी उसके आगे क्या होता है, मैं थोड़ा पिक पुक लेके उसको मारने की ट्राई करता हूँ और थोड़ा जूम भी करता हूँ। और ये एक बंदा देखो, थोड़ा सा डैमेज दिया और ये टैंक के पीछे चला गया। अब ये दोनों वहाँ पे लड़ रहे, तो मैंने सोचा घास बीच में आ रही तो साइड से जाके मारूं, और ये दोनों दिख भी गए। एक की दोनों को, चार बुलेट में दोनों को मार दिया। अब देखो, अब कैंपर की बारी है, तो मैंने सोचा अब यहाँ पे कोई बंदे नहीं है तो मैं निकलता हूँ गाड़ी लेके। तो मेरी गाड़ी सामने थी, आपको यहाँ पे कहीं बंदा नहीं दिख रहा होगा, देखिए है ना। अभी देखो मैं गाड़ी में बैठा और उसने ऐसा फायर दिया, एक ही चटके में किल कर दिया, मतलब पेटी बना।